देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आगामी त्यौहार ईद मिलाद उल नबी को लेकर नगर थाना परिसर और पचम्बा थाना परिसर में की गई शांति समिति की बैठक। डीएसपी ने की बैठक की अध्यक्षता। डीजे पर रहेगा प्रतिबंध, असामाजिक तत्वों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर एलईडी के माध्यम से सुना गया प्रधानमंत्री के 100वें संस्करण की मन की बात। इधर कई स्थानों पर मेरी माटी मेरा देश अभियान को भी दी गई गति। प्रधानमंत्री के बातों को आत्मसात करने की कही गई बात। सरिया के बाघानाल में थाना प्रभारी अनीश पांडे के नेतृत्व में छापेमारी कर अवैध कोयला वैन और डंप कोयला को किया गया जब्त। दो व्यक्ति को भी किया गया गिरफ्तार। तस्करी में शामिल अन्य लोग भागने में रहा सफल। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। कुशवाहा संघ महिला प्रकोष्ठ की ओर से जिला सम्मेलन का हुआ आयोजन। 51 सदस्य जिला कार्यकारिणी का किया गया गठन। वक्ताओं ने महिला सशक्तिकरण के साथ साथ समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की कही बात। और गांडे के खोरी महुआ आदिवासी टोला में पंचायत समिति के फंड से बनी नाली का किया गया उद्घाटन। प्रखंड प्रमुख और कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। ग्रामीणों को जल जमाव से हो रही थी परेशानी। आगामी त्यौहार ईद मिलाद उन नबी को लेकर रविवार को नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डीएसपी वन संजय राणा ने किया। मौके पर नगर थाना प्रभारी प्रशांत कुमार भी मौजूद थे। बैठक के दौरान नगर क्षेत्र के आसपास के आए जनप्रतिनिधि समाज सेवी एवं बुद्धिजीवियों ने बारी बारी से अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बैठक के दौरान डीएसपी संजय राणा ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी के मौके पर निकलने वाले जुलूस में किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा, डीजे नहीं बचेगा व जुलूस के दौरान सिर्फ धार्मिक नारे ही लगाए जाएंगे। त्यौहार के मौके पर असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाएगी। उन्होंने शांतिपूर्ण माहौल में इस त्यौहार को मनाने की अपील की। सभी गिरिडीह वासियों को ईद उल नबी की शुभकामनाएं। यह त्यौहार पैगम्बर साहब के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है और आज इस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में लोगों से अपील की गई शांतिपूर्ण ढंग से ईद उल मिलाद का पर्व को मनाया जाए। और जो ये मौलाना आज़ाद चौक से आपको बरवाड़ी चौक तक, बरवाड़ी करबला तक ये लोग पैदल ही जाएंगे। इस पर समिति से निर्णय हुआ कि इसी बात को लोग फॉलो करेंगे और इस कमेटी के सदस्य लोग रहेंगे जिनको बैच मिलेगा और वो वॉलेंटियर्स लोग जो है सारे भीड़ को सुचारू ढंग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे। सर उस दिन शहर में नो एंट्री कितने बजे से कितने बजे तक है? हम लोग 8 बजे से लेकर 10 बजे तक नो एंट्री कर रहे हैं। 8 बजे सुबह से लेकर 10 बजे रात तक ये नो एंट्री आपको रहेगा। बड़ी गाड़ियों का जो है रोक लगा रहेगा। इसके अलावा जो छोटी गाड़ियों का है उसको अल्टरनेट रास्ता हम लोग देखते हैं। यदि अल्टरनेट रास्ता कोई होगा उस रास्ते से फिर हम निकलवाएंगे। ईद मिलाद उल नबी को लेकर रविवार को पचम्बा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता डीएसपी वन संजय राणा ने की। बैठक के दौरान पचम्बा क्षेत्र के आसपास के आए जनप्रतिनिधि समाज सेवी एवं बुद्धिजीवियों ने बारी बारी से अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बैठक के दौरान डीएसपी संजय राणा ने कहा कि ईद मिलाद उल नबी के मौके पर निकलने वाले जुलूस में किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा, डीजे नहीं रहेगा एवं जुलूस के दौरान सिर्फ धार्मिक नारे ही लगाए जाएंगे।
त्यौहार के मौके पर असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाएगी। शांतिपूर्ण माहौल में इस त्यौहार को मनाने की अपील की गई। इस शांति समिति की बैठक में पचम्बा थाना इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार सिंह, थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, संजीव कुमार मिश्रा, सीआई कृपा शंभू शरण, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सभी सूत्री उपाध्यक्ष अनवर नासरी, मुखिया शब्बीर असलम, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा, मुखिया नूर मोहम्मद, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान आलम, पवन कंदवे, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल गुप्ता, हारून रशीद, चांद रशीद आदि उपस्थित रहे। आज पचम्बा थाना परिसर में ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर शांति समिति की बैठक हुई। आज सभी पचम्बा वासियों को ईद मिलाद उल नबी की मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ अपील करना चाहता हूँ कि ये पर्व आप शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास से मनाएं। आज की पीस कमेटी में निर्णय हुआ कि सारे लोग जो है ये ईद मिलाद उल नबी पर्व को बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे और किसी भी प्रकार का डीजे या अन्य धार्मिक उन्मादपूर्ण जो इनका नाराज वगैरह होता है ये नारा नहीं लगवाएंगे और शांतिपूर्ण ढंग से जो है इस पर्व को मनाएंगे। और इसमें बजरंग दल के भी कुछ लोग हैं जिन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग जो है जो भी लोग उस वक्त आएंगे उनका हम लोग स्वागत करेंगे। इस तरह से दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर इस त्यौहार को मनाने के लिए संकल्प लिया। शहर के मकतपुर स्थित पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवासीय कार्यालय में रविवार को प्रधानमंत्री के 105वें एपिसोड मन की बात को सुना गया। मौके पर स्थानीय लोगों के साथ साथ काफी संख्या में भाजपा के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने बड़े एलईडी स्क्रीन पर मोदी जी के मन की बात को सुना। इस बाबत पूर्व विधायक श्री शाहबादी ने बताया कि प्रधानमंत्री के प्रत्येक एपिसोड के मन की बात को हम सभी कार्यकर्ता के साथ सुनने का काम करते हैं। आज भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो संदेश देश की जनता को दिया है वो प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने बात में छोटे छोटे कार्य करने वाले लोगों को भी रोजी रोटी चला सके इस बात की जिक्र कर वैसे लोगों का हौसला अफजाई किया। वहीं आज सनातन की बात विदेश में भी हो रही है जो हम सभी के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को विकास की ऊंची शिखर पर पहुंचाने और देश का नाम रोशन करने का काम किया है। प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने सभी मन की बात में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने का काम किया है इससे सभी महिलाएं गौरवान्वित महसूस कर रही है और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर रही है। मौके पर जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, सुभाष सिन्हा, संजय सिंह, प्रकाश सेठ, हरविंदर सिंह बग्गा, शालिनी वैसिकियार, संगीता सेठ समेत कई भाजपा के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 105वें मन की बात को हम लोगों ने सामूहिक रूप से आज मेरे आवासीय कार्यालय में सुनने का काम किया। उन्होंने जो आज संदेश दिया है देश की जनता को बहुत ही प्रेरणादायक है और हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे कार्य करके भी लोग अपनी रोजी रोटी को कर सकते हैं, ऐसा उदाहरण उन्होंने दिखाया साक्षात। और सिर्फ रोजी रोटी की बात नहीं, दूसरों को भी प्रेरित करने का काम हमारे देश की जनता कर रही है। और एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में जो सनातन की बात चल रही है, सनातन विरोध की बात जो हो रही है, विदेशों तक में देखिए, विदेशों की जर्मनी की एक युवती ने जिस तरह से संस्कृत के श्लोकों को सुनाया है ये मंत्रमुग्ध करने वाली बात है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को जो कि छोटी छोटी बातों को देश की जनता के सामने निकाल करके प्रस्तुत करवा रहे हैं जो सबके लिए एक तरह की प्रेरणा का बात होता है। मोदी जी जिंदाबाद। प्रणाम जोहार। आज माननीय विधायक निर्भय शाहबादी जी के आवासीय कार्यालय में
हम लोगों ने बूथ संख्या 60-61 में यहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों के साथ और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। और हमेशा से मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पे ध्यान दिया जाता है, वैसे लोगों पे ध्यान दिया जाता है जो नीचे तबके के लोग हैं उन लोगों पे भी। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हम सभी महिला बहनों के लिए 33% का आरक्षण का जो प्रस्ताव पारित किया है, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण और महिला बहनें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रविवार को शहर के इंदिरा कॉलोनी से बीबीसी रोड मक्कतपुर सदगलिया में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने अभियान को जोरदार रूप से गति दी। मौके पर कार्यकर्ता घर घर पहुंचे और कलश में मिट्टी संग्रहित किया। इस बाबत निवर्तमान विधायक निर्भय सहावादी ने कहा कि अमृत वाटिका में पूरे देश की मिट्टी को एकत्रित करके उसमें डाला जाएगा ताकि देश की जनता अब यहां आए तो उन्हें गर्व हो कि हमारे यहां की मिट्टी शहीदों की याद में बने इस अमृत वाटिका में है। कहा कि लोगों को यहां अपने यहां की मिट्टी की खुशबू मिलेगी। मौके पर निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार सहावादी, जिला महामंत्री संदीप डंकाईच, नगर महामंत्री सिंको सिन्हा, प्रोफेसर विनीता कुमारी, शाली वैश्यार, महेश्वर सिंह, उमा शंकर सिंह, दीपक शर्मा, मंगल सिंह, हबलू गुप्ता, दीपक स्वनकार, अजय साव, रितेश सिन्हा, नागी कपीश्वर, करण सिंह, बलराम यादव, वीरेंद्र वर्मा, नीलू सिन्हा समेत दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। देश में पहली बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हमारे देश के जो सैनिक बलिदान दिए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके लिए एक मेमोरियल का बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पे एक अमृत वाटिका के रूप में उस जगह को चिन्हित किया गया है और देश के कोने कोने से हर परिवार, हर व्यक्ति के घर से एक चुटकी मिट्टी लेकर के वहाँ पर भेजा जाएगा। ये सारी मिट्टी संकलन हो रही है और यहाँ के बाद रांची जाएगा, रांची से दिल्ली जाएगा। तात्पर्य यह है कि हमारे देश में पहली बार जो हमारे सैनिकों ने अपने जान देश की रक्षा के लिए निछावर किया है, उनकी याद में पौधारोपण करने का ये अनोखा प्रयोग है। इससे देशवासियों में एकता का संचार होगा। वैसे सैनिकों जो हमारे सीमाओं पर खड़े हैं सैनिक, उनके मनोबल बहुत ऊँचे होंगे। इस तात्पर्य को लेकर के हम लोग निकले हैं गिरिडीह के वार्ड 15 में, घर घर में जा कर के हम लोग ये मिट्टी संग्रह कर रहे हैं और मुझे हार्दिक प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि लोग स्वेच्छा से और बहुत ही प्रफुल्लित ढंग से मिट्टी देने का काम कर रहे हैं। यहाँ के वासियों को मेरा धन्यवाद। बनियाडी स्थित गांधीनगर बस्ती के कई युवाओं, महिला पुरुषों ने रविवार को भाजपा का दामन थामा। गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय सहवादी के समक्ष कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बताते चले कि यहां के स्थानीय ग्रामीण ने श्री सहवादी को बाकायदा आवेदन देकर भाजपा से जुड़ने की इच्छा जाहिर की थी। इसके लिए ग्रामीणों की ओर से यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया था एवं पूर्व विधायक से आवेदन के माध्यम से यहां आने का आग्रह किया गया था। इस आलोक में रविवार को पूर्व विधायक गांधीनगर बस्ती पहुंचे और सबों को पार्टी का अंगवस्त्र प्रदान कर पार्टी में स्वागत किया। मौके पर श्री सहवादी ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है, देश मजबूत हो रहा है। कहा कि पीएम का सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास एवं भाजपा के नीति सिद्धांतों से प्रभावित होकर लोग स्वेच्छा से पार्टी से जुड़ रहे हैं। ये दर्शाता है देश के सर्वमान्य नेता माननीय मोदी जी है और भाजपा के नेतृत्व पर ही सभी को भरोसा है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी कुछ स्थानीय समस्याओं से भी पूर्व विधायक को अवगत कराया जिसके निराकरण करने का उन्होंने आश्वासन दिया। मौके पर पूर्व विधायक के साथ चलकर आए भाजपा नेता अनूप सिन्हा,
गोपाल विश्वकर्मा, प्रकाश दास, गंगाधर दास, इनोद साव एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं सिकंदर दास, पिंकू दास, दीपक दास, बीरबल दास, चंदन दास, गोलका दास, चांदू दास, देबू दास, चूरामन दास, सुनील राम, पोखन दास, गणेश कुमार, कमलेश कुमार, विनोद दास, निखिल राम, प्रेम दास, गंगाधर दास, बबलू दास, पप्पू कुमार, सुगन दास, बिलानी देवी, विलो कुमार सहित कई महिलाओं ने भाजपा की सदस्यता को ग्रहण किया। इसके पश्चात यहां भाजपा के देशव्यापी कार्यक्रम के तहत चल रहे मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत क्षेत्र में भ्रमण करते हुए लोगों से अपने आंगन के मिट्टी को कलश में देने का आग्रह किया गया। उन्होंने बताया कि पूरे देश से मिट्टी संकलित कर दिल्ली भेजा जाएगा, जहां देश के वीर बलिदान शहीदों के सम्मान में अमृत उद्यान में वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा, जिसमें अब मिट्टी उपयोग में लाई जाएगी। लोगों ने स्वेच्छा से अपने घर के आंगन से मिट्टी समर्पित किया। देखिए, ये सीसीएल क्षेत्र है, अपने आप में इसकी बनावट बहुत ही विचित्र है। यहाँ कोयला का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो गरीब हैं, लाचार हैं। उनको जो सरकारी सुविधाएं वो भी उपलब्ध नहीं हो रही हैं जो वर्तमान में। तो इस ऐसे में अभी मैं गांधीनगर आज आया हूँ, कई नौजवान साथी हमारे भारतीय जनता पार्टी को आज उन्होंने ज्वाइन करने का काम किया। यहाँ की जो समस्याएँ हैं उसके प्रति मैंने आश्वस्त किया कि बारी बारी से चीज़ों को हम लोग उठाएंगे। जहाँ तक राशन की बात है, वृद्धा पेंशन की बात है, आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड निर्माण में भी हम देखते हैं कि ऐसे लोग अभी बहुत पीछे हैं, तो इनको पूरी ताकत के साथ हम लोग लगेंगे और इनको सारी चीज़ों की व्यवस्था कराएंगे। और जब हमारी सरकार आएगी तो इनको मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार आएगी तो सारी की सारी समस्याओं को अविलंब दूर करने का काम किया जाएगा। सरिया थाना क्षेत्र के बाघानाल में थाना प्रभारी अनिश पांडे के नेतृत्व में छापेमारी कर अवैध कोयला लदा एक पिकअप वैन व डंप कोयला जब्त किया गया। मौके से दो व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया, वहीं तस्करी में शामिल अन्य लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस कोयला डंप कर तस्करी करने के आरोप में अशोक साव नामक व्यक्ति सहित कुल आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना से कोयला तस्करों में हड़कंप है। बता दें कि अवैध रूप से कोयला डंप कर बिहार तस्करी किया जाता था, इसी सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। कुशवाहा संघ गिरिडीह की महिला प्रकोष्ठ का जिला सम्मेलन रविवार को कुशवाहा छात्रावास सीहोडी में आयोजित की गई। महिला प्रकोष्ठ प्रमुख प्रीति भास्कर की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि कुशवाहा संघ की प्रधान संरक्षक सह अध्यक्ष जिला परिषद मुनिया देवी और विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य प्रभा वर्मा और पिंकी वर्मा उपस्थित थी। साथ ही कुशवाहा संघ के जिला अध्यक्ष इंद्र नारायण प्रसाद, कार्यकारी अध्यक्ष मुन्ना कुशवाहा, दिगंबर प्रसाद दिवाकर और महामंत्री ओम प्रकाश महतो ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बाद में तथागत गौतम बुद्ध, सावित्री बाई फूले, रीतलाल प्रसाद वर्मा और जगदीश प्रसाद वर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सम्मेलन आरम्भ किया गया। कार्यक्रम को संचालित करते हुए महिला प्रमुख प्रीति भास्कर ने विषय प्रवेश कराया और कहा कि आज के इस महिला सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कुशवाहा समाज से बाल विवाह, छेड़छाड़, महिला प्रताड़ना और महिला शोषण को प्रमुखता से केंद्र बिंदु में रखकर आयोजित की गई है और जिले भर से आई हुई सैकड़ों महिलाओं जो समाज के प्रति सजग है, समाज की बेहतरीन में विश्वास रखती है, उन्होंने समाज के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए तमाम वक्ताओं ने महिला सशक्तिकरण के साथ साथ समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की बात कही, साथ समाज को एकजुट करने पर भी चर्चा की गई। उसके बाद जिला स्तरीय कुशवाहा महिला जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें बतौर अध्यक्ष प्रीति भास्कर, सचिव नमिता वर्मा, मुख्य संरक्षक मुनिया देवी, संरक्षक कुमारी प्रभा वर्मा, सह संरक्षक कौशल्या देवी, सरोज वर्मा, उर्मिला वर्मा, उपाध्यक्ष सुधा वर्मा, प्रियतम वर्मा, निशाक वर्मा, सुनीता वर्मा, सह सचिव
मनीष वर्मा, स्नेहा वर्मा, संगीता वर्मा, कोषाध्यक्ष रिंकू वर्मा के साथ 51 सदस्य जिला कार्यकारिणी सभा का गठन किया गया। समाज में स्थान रह करके हमारे बेटियों के बारे में बताना है, बेटी को शिक्षित करना है। एक परिवार हमारा, जब बेटी हमारा शिक्षित होती है तो पूरा घर इसका शिक्षित होता है। इस तरह से हमारे महिलाओं बहनों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और सम्मेलन बहुत भव्य से सम्मेलन हो रही है। और आने वाले 18 अक्टूबर को दुर्गा पूजा से पहले हम लोग डंडिया का प्रोग्राम करेंगे। घरेलू हिंसा है, चाहे बहुओं पर अत्याचार हो, चाहे सास ससुर पे अत्याचार हो, या किसी भी तरह के जो सामाजिक कुरीतियों हैं उसे दूर करने के लिए हम महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जैसे ही हमारी महिलाएं जागरूक होगी, वो स्वाभाविक है कि ये कुरीतियां धीरे धीरे हमारे समाज से कम होती जाएगी और हमारा कुशवाहा समाज एक प्रतिष्ठित समाज के रूप में समाज में उभर कर आएगा। नमस्कार, आज हम लोग का कुशवाहा समाज के नारी सम्मेलन है। सभी हम लोग का कुशवाहा नारी जुटे हुए हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में जुटे हुए हैं, बहुत अच्छा है। इससे आगे ही कार्यक्रम करते रहेंगे। गांजी की मेदनी सारे पंचायत स्थित खोरी महुआ आदिवासी चोला में आदिवासी समिति फंड के तहत 1.5 लाख की लागत से बने नाली का उद्घाटन रविवार को किया गया। इस अवसर पर गांजी प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक ने विधिवत तौर पर नाली का उद्घाटन किया। मौके पर प्रखंड प्रमुख श्री पाठक ने कहा कि युक्त गांव में नाली के निर्माण हो जाने से यहां के स्थानीय ग्रामीणों को अब जहां तहां गंदगी के फैलने की समस्या से निदान मिलेगा। जहां तहां गंदगी पानी का जमाव हो जाता था, वो पानी अब नाली में जाएगा। जहां तहां गंदे जल जमाव के कारण कई तरह की बीमारियों का जो खतरा बना रहता था, उसे राहत मिलेगी। इस दौरान मौके पर मेदनी सारे पंचायत मुखिया दशरथ किस्को, पंचायत समिति सदस्य सुलेखा देवी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि वैभव प्रसाद वर्मा, समाज सेवी श्याम कुमार पाठक सहित कई स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। बेटी दिवस के अवसर पर रांची में आयोजित गर्ल्स नाइट ब्राइट बालिका नई दुल्हन राज्य स्तरीय कार्यक्रम में रविवार को बगुदर निवासी सुरेश कुमार शक्ति ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बेटी बचाओ पर अपनी बातों को रखा। रांची के काके रोड स्थित हॉलीडे होम में बेटी दिवस के शुभ अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें झारखंड की बेटी की सुरक्षा संवर्धन और विकास पर चर्चा हुई। इस अवसर पर सहभागी संस्थाओं की बेटियों ने, महिलाओं ने और पुरुषों ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। गिरिडीह से सुरेश कुमार शक्ति के अलावे जागो फाउंडेशन के सचिव वैद्यनाथ ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और गिरिडीह का मान बढ़ाया। अपने पास
बिंगाबाद थाना क्षेत्र के रातडीह निवासी हलवाई की बेटी ने बीएसएफ की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। रविवार को उन्होंने बताया कि यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने तैयारी की थी। बताया गया कि मोनिका कुमारी के पिता होटल में मजदूरी करते हैं और मिठाई बनाते हैं। उन्हीं के पैसे से इस गरीब परिवार का गुजर बसर होता है। जानकारी दी गई कि परिवार बेहद गरीब है, इसके बावजूद भी मोनिका ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। गरीबी के कारण उन्होंने कोचिंग तो नहीं कर सकी, लेकिन कड़ी लगन और मेहनत के बलबूते उन्होंने बीएसएफ की परीक्षा में सफलता हासिल की। मोनिका ने बताया कि यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई की तैयारी की और परीक्षा दी। मोनिका ने बताया कि 27 सितंबर को ज्वाइनिंग है, इसके बाद 11 माह का ट्रेनिंग होगा। उन्होंने 15 दिनों के लिए फिजिकल ट्रेनिंग योद्धा एकेडमी से लिए थे। उसका सपना सब इंस्पेक्टर बनना था। लोगों को ये बोलेंगे कि अपना नजरिया बदलिए और डिफेंस में लड़की लोग भी जाइए, देश का सेवा कीजिए। डिफेंस में जाने के लिए आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? सबसे पहले तो रनिंग मेरा सबसे हार्डेस्ट बोलिएगा पार्ट था, तो वो रनिंग एग्जाम क्लियर करना था, लेकिन वो ईजी हो गया क्योंकि हम योद्धा अकेडमी ज्वाइन किए हैं और यहाँ के सर लोग बहुत मेहनत किए मेरे से और मेरा रनिंग। आप किस चीज़ की कहाँ पे तैयारी किए थे आप? रिटर्न तो ऐसे यूट्यूब से ही पढ़े थे। अब पापा क्या करते हैं? पापा मेरी मिठाई बनाते हैं। हलवाई है? हलवाई है। रोटरी गिरिडीह कपल और नवजीवन नर्सिंग होम के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को चरघरा पंचायत भवन में निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। मुखिया महावीर दास के नेतृत्व में आयोजित शिविर में नवजीवन नर्सिंग होम के चिकित्सकों के द्वारा लगभग 300 लोगों को विभिन्न बीमारियों के लिए सलाह एवं निःशुल्क अलग अलग बीमारियों के लिए उपयुक्त दवा का भी वितरण किया गया। इस शिविर के दौरान रोटरी कपल ने प्रोजेक्ट पॉजिटिव हेल्थ के तहत मधुमेह, ब्लड प्रेशर, वजन और लंबाई की जांच भी कराया और क्लब की तरफ से महिलाओं के बीच 200 सैनिटरी नैपकिन पैकेट का भी वितरण किया और उसके फायदे और संक्रमण से बचने की जानकारी दी। नवजीवन के डॉक्टर निशाकर तिवारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, दम्मा, हर्निया, हाइड्रोसिल, बवासीर आदि की जांच की गई। डॉक्टर संजय यादव के द्वारा हड्डी से संबंधित बीमारी जैसे साइटियो, गठिया, पैर में झंझनाहट आदि की जांच की गई। डॉक्टर अमित कुमार के द्वारा दांतों से संबंधित सभी जांच किए गए। मौके पर नवजीवन नर्सिंग होम के सीईओ स्वाति बगेड़िया, राजेश राणा, देवनंदन, मंजीत, रुचि, दानिश, दीपक, कैलाश, विवेक का योगदान रहा। वहीं रोटरी कपल के तरफ से अध्यक्ष वैभव शहबादी, नम्रता शहबादी, गुरविंदर सलूजा आदि मौजूद रहे। वनवासी विकास आश्रम एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा रविवार को बेंगाबाद के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बेटी दिवस पर एक कार्यक्रम किया गया। इस दौरान छात्राओं के साथ बेटियों के संरक्षण विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा के साथ साथ बेटी बेटों से कम नहीं, बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं, बेटियों को मिलने वाली विभिन्न सरकारी सुविधाओं, भारतीय संविधान में बेटियों को बेटों से कम अधिकार या सम्मान नहीं मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। बाल विवाह में होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति भी किशोरियों के बीच समझ विकसित करते हुए किशोरियों ने भी भ्रूण हत्या, बेटी एवं बेटा में किए जाने वाले भेदभाव, बाल विवाह आदि मुद्दों पर अंजलि कुमारी, खुशबू कुमारी, काजल प्रवीण आदि ने गीत के माध्यम से अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वार्डन नेहा कुमारी, शिक्षिका कुमारी पूनम का सराहनीय योगदान रहा। बेटी भैला पर टूटे मनवा हो बोला काहे, अब गर्भे में मारल जाता जनवा हो बोला काहे। बेटी हूँ मैं बेटा नहीं क्या यही मेरा दोष है,
कुदरत का वरदान हूँ मैं, तुझको क्यों अफसोस है, देखने दो मुझको ये सुंदर संसार, जन्म से पहले तू मुझको न मार। अभी मोरा पड़े के उमरियानु, हमरा पड़े दाए माई, मत करा बिहा के तैयारियानु, हमरा पड़े दाए माई। बेटों को सम्मान जगत में बेटी का कोई मान नहीं, बेटों को सम्मान जगत में बेटी का कोई मान नहीं, हमें बता दो दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं, हमें बता दो दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं। आगामी त्यौहार ईद मिलाद उल नबी को लेकर नगर थाना परिसर और पचम्बा थाना परिसर में की गई शांति समिति की बैठक। डीएसपी ने की बैठक की अध्यक्षता। डीजे पर रहेगा प्रतिबंध, असामाजिक तत्वों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर एलईडी के माध्यम से सुना गया प्रधानमंत्री के 100वें संस्करण की मन की बात। इधर कई स्थानों पर मेरी माटी मेरा देश अभियान को भी दी गई गति, प्रधानमंत्री के बातों को आत्मसात करने की कही गई बात। सरिया के बाघानाल में थाना प्रभारी अनीश पांडे के नेतृत्व में छापेमारी कर अवैध कोयला वैन और डंप कोयला को किया गया जब्त, दो व्यक्ति को भी किया गया गिरफ्तार। तस्करी में शामिल अन्य लोग भागने में रहा सफल, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। कुशवाहा संघ महिला प्रकोष्ठ की ओर से जिला सम्मेलन का हुआ आयोजन। 51 सदस्य जिला कार्यकारिणी का किया गया गठन। वक्ताओं ने महिला सशक्तिकरण के साथ साथ समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की कही बात। और गांडे के खोरी महुआ आदिवासी टोला में पंचायत समिति के फंड से बनी नाली का किया गया उद्घाटन। प्रखंड प्रमुख और कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। ग्रामीणों को जल जमाव से हो रही थी परेशानी। आज के अंक में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।